बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिर इस्माइल वीकली मार्केट जब आपके साथ हाजिर है। मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी नासाज है, थोड़ा ये डिस्टरबेंस आ रहा है बोलने में। मैंने चार्ट शेयर किया था तो वो भी सही अपनी जगह पे एक्सपेंड हो रहा है। उसके लेवल जो है वो डिफरेंट है। अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसके लेवल्स भी आप देख लें। इन दोनों का आप जो है वो कंबाइन करके लेके चलें। जो अपर लेवल है 66,471 का है, या 472 या 500 समझ लें, 66,500 का लेवल है इन राउंड फिगर। और मिडिल लेवल है, जो मिडिल बैंड है इसका 62,800, 62,900 इसके दरमियान है। और विक भी बन सकती है 700 में। बहरहाल ये इसका लेवल, इसके ऊपर परफॉर्म, मतलब ये बताने का मकसद, ये मेंशन करने का मकसद है कि इसके ऊपर अगर इंडेक्स या मार्केट परफॉर्म करती है तो हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 9 ट्रिलियन के ऊपर ही चल रहा है, 9,200 समथिंग है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन वीक बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा हमने इस पर डिक्रीज देखा है, तकरीबन 151 बिलियन रुपीज का। अच्छा, फिर साथ ही साथ आ जाए लोअर लेवल पे, तो लोअर जो बैंड है इसका वो 59,400, 59,500 के करीब है। तो ये तो हो गया सीवियर, और एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड का मतलब ये साइडवेज भी हो सकता है और नीचे भी आ सकता है। चाहिए, मैंने अभी ये लाइन चार्ट जो शेयर किया आपके साथ शुरू में ही, ये बताने के लिए कि यहाँ पे थोड़ा आ रहा है, एसआई पे डाइवर्जेंस भी आ रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, देखेंगे यहाँ से लाइन अगर अपसाइड पे देखें तो ये लाइन अपसाइड जा रही है, लेकिन इसी के अगेंस्ट में देखें तो ये आ रहा है एसआई पे, ये डाउन, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो थोड़ा सा डाइवर्जेंस है। और इसकी अब मैं आपको बताता हूँ कैंडल चार्ट के हिसाब से, ये मैंने आपको बता दिया लाइन चार्ट के हिसाब से। अब कैंडल में अगर हम देखें तो ये लास्ट वीक में यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था, सॉरी इवनिंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ था। अच्छा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, अगर ये नीचे की साइड पे होता तो ये मॉर्निंग स्टार होता और अपर साइड पे इवनिंग स्टार है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर ये इवनिंग मॉर्निंग स्टार हो तो यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे सकती है। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, वो आपको बाद में बता दूंगा। तो इसकी कंफर्मेशन जरूरी है। तो अभी देखें, अभी ये इसका ये निगेशन मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे वो आ गया, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार होता तो यहाँ पे इसकी जो है कंफर्मेशन होती, फिर नेक्स्ट कैंडल जब ऊपर अपर साइड पे जाती है तो फिर इस पर आप एंट्री ले सकते हैं। अभी इसी तरह इस करंट सिनेरियो में इसको अभी इसकी जो है बेरिश जो है सिग्नल मिला है आफ्टर इवनिंग स्टार। दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, डाउन साइड पे आ सकती है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। ये टेक्निकल इंडिकेशन है, लेकिन अगर इसकी कोई निगेशन मिलती है, फॉर सपोज यहाँ कोई, यहाँ तक कोई बुलिश कैंडल बनती है तो भी यहाँ पे सेलिंग ही है। ठीक है, इसके ऊपर कोई कैंडल बनती है तो फिर आप इसको, जैसे ये यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल इसको निगेट करेगी, नेक्स्ट कैंडल इसको कंफर्म करेगी, तो आप यहाँ पे मजीद अपसाइड देख सकते हैं विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन का। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको जो है पीएसएक्स की साइट से मिल जाएगा, डाटा इसमें काफी है, वो आप इसमें सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो अब अभी फिर फिलहाल करंट सिनेरियो में जो आपको अभी थोड़ा जो है कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये अभी रिजल्ट सीजन, जो मेन रिजल्ट सीजन था वो दिसंबर का था। वैसे एक तो होता है आपका जून का और एक दिसंबर का, तो वो तो अभी मेन तो अभी खत्म हो गया है, तकरीबन ऑलमोस्ट एंड पर है, काफी रिजल्ट आ गए हैं। और इस वजह से जो है यहाँ पे हम, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एंट्री लेते हैं लोग दिसंबर के बाद से, वो इसीलिए लेते हैं कि भाई अगर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के सीजन में आपको पता है कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी आती है, अपसाइड मूवमेंट आती है, तो फिर वो स्टॉक वहाँ पे वो बेचते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आता है उसको फिर इसको होल्ड कर लेते हैं। तो अभी इस वक्त देखें तो टेक्निकली यहाँ पे बेयरिश सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो अभी सपोर्ट देखें इस वक्त तो वीकली पे 63,800 के करीब है, ये वाला 63,868 है। मैंने पहले भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था 63,865, 60, 68, 70, ये जो है इवन ये जो इसका मिडिल बैंड है ये भी एक सपोर्ट लेवल है, ये इसकी नेकलाइन सपोर्ट है एक्चुअली 62,800, 62,700, ये इसको भी यहाँ पे नीचे भी आ सकता है 62,500। ठीक है ना, ये इसको भी मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे विक बन सकती है जिस तरह यहाँ पे बनी थी, ये वाले इस पे लेवल पे विक बनी थी। तो ये यहाँ ये वाला लेवल जो है ये भी इसकी नेक लाइन, नेक्स्ट कैंडल की, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये भी एक सपोर्ट लेवल है। तो बहरहाल अभी बस ये खाली समझाने के लिए मैंने आपको क्या था कि थोड़ा कॉशियस रह के काम कीजिएगा, लेवरेज पे बिल्कुल बाय मत कीजिएगा कुछ भी, क्योंकि रमजान सीजन है और अभी समझे ये मिड ऑफ मार्च भी हो गया तकरीबन, तो
18 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो इसका ये सब में मिक्स इम्पैक्ट आएगा। और ऑन द अंदर हैंड आईएमएफ के साथ मीटिंग भी चल रही है, उन्होंने काफ़ी कड़ी शरारत रखी है। देखें ये मीटिंग कहाँ पे कंक्लूड होती है, पॉजिटिव नोट पे होती है, क्या होता है। बहरहाल अभी फिलहाल जो है थोड़ा वेट करें, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी हायर साइड पर है। आरआईएसआई भी मैं आपके साथ वीकली शेयर कर दूँ, 64 पर है, थोड़ा सा इसको डिस्काउंट होने दें। मेरा तो मशवरा यही है, जो अच्छे जो स्टॉक हैं डिविडेंड ओरिएंटेड, जिनकी अच्छा पी रेशियो है, उनको आप जाहिर सी बात आपको चांस मिलेगा डाउन साइड पे, उनको आप एक्यूमुलेट करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।